हमीरपुर जिला के जगड़ियनी में जनमंच का आयोजन किया गया। इसमें अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर किया गया, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। ऐसी ही एक समस्या जनमंच में देखने को मिली, जहां पति की मृत्यु होने के बाद महिला ने जेठ पर उसको और उसकी बेटी को तंग करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता रंजना देवी ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हुए 5 साल हो गए हैं। पति के गुजरने के बाद से ही उसे और उसकी बेटी को जेठ हमेशा तंग करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके जेठ मदनलाल ने उनके बाथरूम भी तोड़ दिए हैं, जिसके कारण उन्हें और उनकी बेटी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम रंजना देवी। आज समस्या जकी क्या समस्या होंगी? मेरा जेठ मदन लाल 5 साल से तंग करा मुझे, कर मेरी बेटी जो मेरे आदमी हो गुजरे 5 साल हो गए, जिसके बाद दिन रात तंग करा कर सब कुछ तोड़ी था। बोले भी इतनी मेरा ही है सब कुछ, कहना मेरी जमीन है तो चली आ इतने बैठे निकल आ। मेरे टॉयलेट बाथरूम भी तोड़ी थे, कहना और खड्डा जी हसा मिट्टी ने भरी था। 28 तारीख 28/8/2020 जो खड्डा मिट्टी ने भरी था, कहना सब तोड़ी थे टॉयलेट बाथरूम। कहना बोले भी इतनी कुछ नहीं है। मेरी एक बेटी है तो हमें आज जंगल में टॉयलेट आज हमें इस जमाने के माहौल में जंगल में जाना पड़ा था। तो तुम्हें आज मैं नेड स्कूल में अपनी जनमंच में समस्या लेकर आई हूँ। इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शिकायतकर्ता की समस्या का जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी को जांच करने के निर्देश दिए हैं और शिकायतकर्ता समस्या का जल्द निपटारा करने के आदेश भी दिए हैं। सरवीण चौधरी का कहना है कि गरीब आदमी पहले से ही अपनी समस्याओं के कारण दुखी होता है। अगर कोई जनमंच में इस तरह से शिकायत लेकर आता है तो उसका निपटारा अवश्य किया जाएगा। गरीब है वो वैसे ही अपनी समस्याओं से बहुत जूझते हैं, लेकिन इस तरह का अगर आया जनमंच भी हमारे पास आएंगे, हम भी संवेदनशीलता के साथ उस काम को करेंगे। मैंने हमारे एडिशनल एसपी सकलानी जी से कहा है कि वो केस जो आया है हमारे सामने उसकी जांच करें, क्योंकि उसका कहना था, मैंने कहा फिर तूने फोटो खींची तो वीडियो क्यों नहीं बनाया, मेरा क्वेश्चन उसको था। उसने बोला कि देर रात के अंधेरे में तोड़ा गया और हमें आगे नहीं आने दिया तो हम ये नहीं कर सकते थे। तो मुझे उसके बाद जेन्युइन लगी, जो जेन्युइन बात होगी उसके ऊपर